दोस्तों आपने प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर छेद तो देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि यह छेद क्यों और किस काम के लिए होता है? तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि प्लास्टिक की कुर्सी को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, और अगर यह छेद ना हो हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण ये आपस में चिपक जाएंगे और इन्हें अलग करने में बहुत परेशानी होगी। और साथ ही कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ जाए तो इसी छेद की वजह से वह जल्दी नहीं टूटता। इन सभी कारणों की वजह से स्टूल के बीच में छेद होता है।